इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सम्मानित मंत्रीगण, डिप्टी सीएम, सांसदगण, विधायकगण, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उपस्थित जो सामने बैठी हुई प्रबुद्ध जनता है और साथ ही साथ जिनका जिनसे मेरा पुराना परिचय है और उम्मीद करता हूँ रहता रहेगा वो हमारी मीडिया है, तो मैं अपने मीडिया बंधुओं के सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में। मैं भी बैठा हुआ था और लोगों की बात सुन रहा था, विशेष रूप से लक्ष्मण आचार्य जी की बात सुन रहा था कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन का क्या कल्पना है। प्रबुद्ध सम्मेलन हमेशा समय समय पे होता है, लेकिन ये भी उसी प्रकार का एक प्रबुद्ध सम्मेलन है। मगर ये भी सौभाग्य है कि ये प्रबुद्ध सम्मेलन के कुछ ही महीने बाद यहां पर नगर निकाय का चुनाव होएगा और अन्य जगह भी होएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। और जब नगर निकाय या किसी चुनाव में हम लोग जाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल जाती है और विशेष रूप से जब सत्ता रूण पार्टी होती है तो उसे अपना जो उसका कार्यकाल रहा उसके बारे में बताने का एक फर्ज भी बनता है, क्योंकि प्रबुद्ध जन जो होता है वो उसका आकलन सही कर पाता है क्या सही है क्या गलत है। मैं खाली एक पायलट के रूप में प्रयागराज को लेके जाना चाहता हूं और उसके साथ दो तीन चीज जोड़ूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं ज्यादा समय न खा जाऊं। प्रयागराज को मैं कहीं पायलट मानूं पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो 2017 के पहले की कल्पना कर दीजिए। कुछ लोगों ने चर्चा भी करी मगर विशेष रूप से मानो आज ही सुबह न्यूज़पेपर जब मैंने लखनऊ में खोला तो उसमें लिखा था अतीक अहमद के 1120 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने यहां पर जब्त किया। कानून व्यवस्था, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भी कानून व्यवस्था कायम करी है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने। फिर आता है कि हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है और 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था और जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो 4,21,000 करोड़ का उस समय एमओयू हुआ था जिसको आज धरातल पे 3.5 लाख करोड़ हम लोग ने उतार कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है वहां पे लोन मिल गया, जमीन मिल गई, वहां पे काम शुरू हो गया और उससे 5 लाख लोगों को नौकरी उपलब्ध हो गई। अब मैं प्रयागराज में आता हूं तो वो जो 2018 में हुआ था उसके अंदर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के अंदर भी 3,500 करोड़ का निवेश आया था और मैं उम्मीद करता हूं मेरे मित्र बैठे हुए नंदी जी कि इस दफे 10,000 से 15,000 करोड़ का भी निवेश आएगा। साथ ही साथ यहां पर पूरे प्रयागराज की कई सूरत बदली है तो उसके अंदर रोडों का निर्माण और फ्लाईओवर का निर्माण है, कई प्रयागराज में हुआ है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। वैसे हमारे पूर्व में साथी या पूर्व के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साथी तो अभी भी है, तो पूर्व के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने खाली प्रयागराज का निर्माण नहीं करा, फ्लाईओवर का पूरे उत्तर प्रदेश का करके दिखाया। बैठो, हो गया। फ्लाईओवर के साथ नया एयरपोर्ट तैयार हो गया जो मेरी विधानसभा में है। आज वहां से हाईकोर्ट से कहीं आपको एयरपोर्ट जाना है तो 2025 के पहले वो अब 15 मिनट में जो वहां पे
निर्माण आपको दिन में देखने वाले हैं, उसके कॉलम और पिलर ऑफसाइट बन रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य चीजों का निर्माण होता जा रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने कुंभ देखा है, उसकी प्रशंसा देखी है, 24 करोड़ लोग आए हैं, स्वच्छ कुंभ का यूनिसेफ ने एक हमें टैग भी दिया, मगर वो ट्रेलर था दोस्तों, पूरी पिक्चर 2025 में हम कुंभ में आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है, मैंने शुरू किया था चुनाव से, मगर उसके लिए भी आवश्यक है प्रभुचंद बैठे हुए कि नगर निकाय में हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को आप विजय बनाए, क्योंकि धरातल पे कहीं काम करना है, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको अच्छे इंटरलॉकिंग चाहिए, आपको नाली चाहिए, सुविधाएं चाहिए, पानी चाहिए, तो हर जगह प्रस्तावना देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या वहां का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। मैंने शब्दों के साथ हमारे महानगर अध्यक्ष खड़े हो गए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।